हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये आप बहुत ही सिंपल इजी मेकअप कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल सॉफ्ट पिंक आई मेकअप किया है, बहुत ही इजी है, तो चलिए देखते हैं। और साथ में मैंने बीबी क्रीम का यूज़ किया है, कोई फाउंडेशन ही लगाया है, तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये नीविया सॉफ्ट क्रीम ली है और इसको मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी। ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है क्रीम, क्योंकि एक तो मेरा ऑयली स्किन है तो ये क्रीम बिल्कुल भी स्टिकी सी नहीं है कि ऊपर रह जाए स्किन पर, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो, तो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत लाइट वेट है, तो ओवरऑल मेरे को क्रीम काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये फेशियल सीरम लिया है, मैंने ये फेशियल सीरम लिया है डॉक्टर ऑर्गेनिक का, अगर आपके पास कोई दूसरा ब्रांड है तो आप वो ले सकते हैं। और इसको भी मैं पूरे फेस पर इस तरह से लगा रही हूँ और अच्छे से मसाज कर लेना है इसको लगाने के बाद में, ये भी बिल्कुल स्किन में ऊपर को ना रह जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं तो मेकअप आपका फिर बेस सही से नहीं बनेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ये। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये आईब्रो पेंसिल ली है जो कि ये अर्बन डिके की है, और इसकी जगह पर आप कोई भी दूसरी आईब्रो पेंसिल आप ले सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर मैं आईब्रो बना ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम फिल कर देंगे आईब्रो पेंसिल से, तो इस तरह से आईब्रो हमारी बन जाएगी। और अब इसके बाद यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश लिया है आईब्रो के लिए, और आईब्रो के जस्ट नीचे मैंने ये कंसीलर लगाया है जो कि मेरे स्किन से बहुत हद तक मैच करता हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का कंसीलर नहीं है तो जैसे कि ये दूसरा कंसीलर आप देख रहे हैं लोरियल का मैंने लिया है, इस तरह का कोई लाइट शेड भी ले सकते हैं, और इसको भी आप पूरे आईलिड पे और क्रीज एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं ये कंसीलर पूरे आईलिड पर और क्रीज पे इस तरह से मैंने इसको कर दिया है, और बहुत हल्का सा मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर लगाया है जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। और अब ये शेड लिया है मैंने, ये निक्स का पैलेट है, इसमें से अच्छा सा ये पिंक शेड है, थोड़ा म्यूटेड पिंक शेड है ये, तो इसको मैंने लिया है। और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर क्रीज पर लगा के और इस तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कलर हम लेकर और इसको ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे भी सेम कलर मैंने इसी वाले को लगाया है, तो इस तरह से लगा देंगे इसको। और अब ये शेड लिया है मैंने, ये एक मरून शेड है बर्गंडी, तो इसको हम कॉर्नर में लगाएंगे आउटर थर्ड में, और मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको लगा रही हूँ, और लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको साथ में ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। अब इसके बाद ये वाइट वाला शेड मैंने लिया है यहाँ पर, और इसको मैं इनर थर्ड में लगाऊंगी, तो हल्का सा ही लेकर और यहाँ पर इसको लगा के हम साथ में पिंक के इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, और यहाँ पे इसको मैं क्रीज में भी हल्का सा लगाकर और ब्लेंड मैंने किया है। और अब इसके बाद मैंने लाइनर लगाया है, और ये एसेंस का लाइनर है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, तो इस तरह से यहाँ पर मैं एक विंग्ड लाइनर बना ले रही हूँ। अगर आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है तो आप चाहे तो टेप का यूज़ कर सकते हैं पहले, उससे आपके आई शेडो से शेप बन जाएगी और आप बहुत ही इजीली लाइनर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मस्कारा लगाया है और लैशेस लगा दी है मैंने, लैशेस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन नहीं है या नहीं ठीक से लग पाती है आप इसको छोड़ सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ये प्राइमर लिया है, ये एल्फ का पुट्टी प्राइमर है, इसको मैं लगा रही हूँ पूरे फेस पे, और काफ़ी अच्छा प्राइमर लगा मुझको ये, ऑयली स्किन के हिसाब से मेरी काफ़ी अच्छा प्राइमर है। और यहाँ पे अब मैंने ये बीबी क्रीम ली है जो कि ये हाइड्रेटिंग क्रीम है, क्योंकि अभी ठंड है तो कोई भी हाइड्रेटिंग आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैंने कीको की ली है, और इसको इस तरह से मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ। और इनका कोई एज सच कवरेज नहीं होता है बीबी क्रीम वगैरह का, बहुत ही लाइट सा, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह से बस ये लगता है, बहुत ही एक लाइट शीयर सा इनका कवरेज होता है, बिल्कुल भी मीडियम हाई कवरेज ऐसा कुछ नहीं होता। और अब इसके बाद अंडर आइज़ के लिए मैंने यहाँ पर ये शुगर का लिया है कंसीलर, और इस तरह से लगाकर यहाँ पे हम इसको सेम ब्रश जो मैंने पहले लिया था
वही लेकर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। और ये ब्रश, ये कंसीलर ब्रश है जोइवा का, यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है। और अब इसके बाद अंडर आइज़ ये यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी क्रीजिंग वगैरह नहीं होने पाए। तो ये मैंने लूज़ पाउडर लिया है जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है। और अंडर आइज़ हम इसको इस तरह से, मैंने ब्रश की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, अच्छे से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए लगाएंगे और दोनों तरफ इस तरह से हम लगा देंगे इसको। तो यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो भी है इस तरह से निकाल देंगे हम पाउडर ब्रश से। यहाँ पे नोज़ कॉन्चोर कर रही हूँ मैं अब, बिल्कुल ऑप्शनल है ये भी, अगर आप नहीं चाहें तो बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको। तो इस तरह से ये मैंने पेंसिल ब्रश लिया है जिसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं अगर आप नोज़ कॉन्चोर कर रहे हैं तो। और अब इसको हम सेट कर देंगे पाउडर से, और ये पाउडर मैंने लिया है अब, ये शुगर का पाउडर है, प्रेस्ड पाउडर कॉम्पैक्ट, तो इसको लगाया है मैंने। इसमें मेरा शेड है 30, तो पूरे फेस पर हम इसको लगा देंगे, जिससे कि हमारी बीबी क्रीम भी है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी पूरे फेस पे। तो इसको हम लगा देंगे, हल्का सा इसको हम नेक पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है हाइलाइटर ये, और ये मैंने कलरपॉप का हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ किया था, और ये W7 का मैंने ब्लश यहाँ पे लगाया है। कुछ मैंने फेस पे ब्रॉन्जर या कॉन्टूरिंग वगैरह नहीं की है, तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ मैंने ब्लश लगा दिया है। और अब यहाँ पे मैंने सेम जो हाइलाइटर था वो लगाया है, और इसको मैं चीक बोन्स पे, फोरहेड पे, यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी इस तरह से। और आईज पे चलते हैं दोबारा से, तो मैंने ये शेड लिया है फिर से, तो ये शेड सबसे पहले मैं लेकर और यहाँ पे इसको इस तरह से लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। और मैं यहाँ पे ये पेंसिल ब्रश का मैंने यूज़ किया है। और अब ये दूसरा मैंने शेड लिया है, मरून कलर का ये शेड है, तो इसको हम लेंगे और इसको यहाँ पर मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो इसको मैं आउटर थर्ड में ही मैंने रखा है इसको, और फिर उसके बाद हम थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ पे अब ये शेड लिया है मैंने, और इसको इनर थर्ड में मैं लगाऊंगी, तो यहाँ पर इसको अब हम लगा देंगे इस तरह से। और ये मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है इसको लगाने के लिए। और आईज़ में यहाँ पे मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पे न्यूड आई पेंसिल ली है, तो इस तरह से इसको लगा रही हूँ मैं। इसको लगाने के बाद में आईज़ बड़ी बड़ी लगने लगती है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और अब हमने बस मस्कारा लगा दिया है लोअर लैशेस पे, और ये आई लुक यहाँ पे ख़त्म है। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है, आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। इस तरह से ये हो जाएगा। और लिप्स पे मैंने बहुत हल्का सा यहाँ पे कंसीलर लगाया है, और इसके बाद मैंने ये लिपस्टिक ली है। सबसे पहले मैंने शुगर की लिपस्टिक ली थी, लेकिन मुझे शेड वो थोड़ा ज़्यादा लाइट लगा, तो मैंने उसके बाद वो मिलाने की लिपस्टिक उसमें ऊपर से ऐड की है यहाँ पर। और बस ये लुक ख़त्म है यहाँ पे। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल और भी इस तरह के मेकअप के वीडियोज़ के लिए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के मेकअप के लुक्स आप देखना चाहते हैं। और मुझको आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो भी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो वो ज़रूर आप चेक कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।